दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो देखो, कल हमने बताया था, डिस्क्लेमर आप लोगों को पता ही है, उसमें कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू होता है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिसको फायदा होता है या लगता है कि हाँ भाई सही है तो आप काम करो, नहीं तो उसको साइड में रख के आप अपने टेक्निकल एडवाइजर की मदद से काम कर सकते हो। 2 तारीख थी, बोला था अप डाउन रहेगा मार्केट, लेकिन आपकी साइड में रहेगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा ऐसा ही रहा है। बैंक निफ्टी जो है उसके डाटा लास्ट तक भी कमजोर थे। डाटा में 50 चीज आती है, वो टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। वीक है ये, बुलिश था, ये मैंने बताया भी था फ्री वाले चैनल पर कि ये बुलिश है, ये डाउन है। आप लोगों को एक पुट डाली थी मैंने 82 पे, डाली थी शायद, डालते डालते 85 हो गई थी, 90-92 तक गई थी। बाद में वो बोला निकल जाओ, नहीं, क्योंकि एक लेवल होता है। जो मैं लेवल देता हूँ ना, मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, उस वीडियो को एक बार आप देख लो, आपको मार्केट में परेशानी नहीं होगी। जो लेवल है, जैसे ही वहां वो पहुंचा और उसको क्रॉस किया तो बुलिश है। अभी देखो, पहले मैं एक चीज समझाता हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी जब यहां आया था, मैं भाई पुटों से निकल जाओ, अब ये रिटेस्ट करेगा, अभी इसका नीचे का काम हो गया, ऊपर जाएगा। हमने बोला ऊपर जाएगा और यहां पे ये रिटेस्ट करेगा 230-400 मैक्सिमम, आज 415 के करीब चला गया। तो मेरे हिसाब से जो ऊपर वाली जर्नी थी मार्केट की, पूरी हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी हो गई। अब हमें कल क्या देखना है कि आपका निफ्टी 17,280 के नीचे क्लोज होना चाहिए। नीचे क्लोज होता है मार्केट डाउन की साइड में हो गया, इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, या 400 के ऊपर होता है मार्केट बुलिश है, बहस नहीं करना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा, दोबारा सुनो कि जो मार्केट ने रिटेस्ट करना था 400, मैंने बोला था कि भाई नीचे का काम हो गया, ऊपर जाएगा, हर रोज समझा के जाता है, यहां पहुंच गया। अब ये ऊपर वाली जर्नी खत्म हो गई, जो मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, अब मार्केट को थोड़ा डाउन आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं 17,280 से नीचे क्लोज होना चाहिए कल मार्केट। क्या बोल रहा हूं, 280 से नीचे होना चाहिए। अगर इसके ऊपर होता है तो बुलिश है, और इसके नीचे होता है डाउन, बस इतनी सी बात है। तो ये 280 लेवल आपने ध्यान रखना है। अब ये 3 का अप डाउन है, ये देख लेना, इसमें जिधर मार्केट जाता है ना, मेरी तरफ से डाउन रहना चाहिए मार्केट को कल। ठीक है, डाउन में भी ये देखना, तो अगर डाउन जाता है और पुट साइड हो तो 11:30 बजे तक प्रॉफिट बुक कर लो, 12 तक, और निकल जाओ। फिर मुड़ के मन देखो, फिर रिकवरी दे सकता है मार्केट करीब 1:30 बजे से। तो एक बार नीचे जाएगा मार्केट, अब जाता या नहीं जाता वो तो पता लग जाएगी अपने आप सुबह में जब मार्केट देखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी तो बात बोल रहे हैं, और तो कुछ बोल रहे हैं। देखो, मैंने कल, आप लोग पूरे YouTube पर देखेंगे, सब आदमी नीचे के थे, के लिए थे। हम लोग कल कॉल आपको भी बोला था भाई 17,300 की खरीद लो। ठीक है, 110 के करीब थी, कोई 12-15 होगी, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है, पर मैं प्रीमियम में दिया था तकरीबन यही था, 15 तक होगी। फिर आप बोलोगे, नीचे लिखोगे, नहीं नहीं 112 थी, थे जहां भी थी, 145 के करीब गई थी। मैंने आपको भी डाला था मैसेज कि भाई जो कल कॉल लेके गए थे प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ऊपर एक निफ्टी का रेजिस्टेंस आया था। ठीक है, गई ये कॉल शायद 180 पे क्लोज हुई है मेरे को लग रहा है आज, और बैंक निफ्टी की ये हमने प्रीमियम में पुट दी थी, 300 तक गई थी। ज्यादा आप ट्रेडिंग नहीं कर पाई, कारण ये था कि आप बैंक निफ्टी को पकड़ नहीं पा रहे थे, नीचे आता था फिर ऊपर, नीचे ऊपर,
जिधर भी दोगे मुश्किल। तो हमें तो एक लेवल मिला था बैंक निफ्टी का, इसलिए एक बार कॉल दी थी, बात समझ गए। तो उसमें क्या है, और इधर निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इस टाइप का मार्केट क्लाइंट को टोटली कंफ्यूज कर देता है। अब वो जैसे ही निफ्टी के हिसाब से ऊपर की कॉल खरीदेगा, बैंक नीचे, यार ये तो नीचे चला गया, पूरा पैसा खत्म, फिर थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल के लिए भी बैंक निफ्टी आपका डाउन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसके डाटा जो है पूरे डाउन के बने, जो भी चीज देखो उसके, जो भी पीसीआर वगैरह, जो भी सारी डाटा देखोगे ना, और निफ्टी के हफ्ते। तो कल के लिए मेरा व्यू, लास्ट बता रहा हूं, मेरा व्यू ये है कि कहीं ना कहीं डाउन रहना चाहिए मार्केट को 10-11 बजे तक। मान लो अब खुल जाता है, अब लग रहा है 400 के ऊपर, तो कॉल खरीदेंगे हम लोग, नहीं तो ऊपर नहीं खुलना चाहिए, डाउन खुलना चाहिए। अब एक में कुछ आदमी लिख रहे यूट्यूब पे, ये जो लिंक से मेरे से जो अकाउंट खोलते थे इसमें जरोदा के अंदर, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है ना, उसमें मैं ऐड करता जाता था सभी को, लेकिन कोई ट्रेडिंग तो करता नहीं उसमें, तो मेरे को क्या फायदा होगा। वहां से आप लोग किसी दूसरे के नाम से परिवार में से एक अकाउंट खोल देते हो, मेरे को लॉस होता है। तो मैंने दो तरीका बनाए अभी उसके, कि मैं एक ग्रुप खोल दूंगा, जो भी मेरे साथ आता जाएगा मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा, जो प्रीमियम में कॉल दूंगा उसकी कॉपी करके उधर डालता जाऊंगा, बात समझ गए। जो भी आपको डाटा है, जो भी है उसमें बताता हूँ, वही उसमें। तो जो आदमी हमारे से अकाउंट खोलेंगे वो लाइफ टाइम फ्री है। मैं क्या लिख रहा हूँ, लाइफ जब तक हम हैं फ्री, FREE, ठीक है, वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा जो भी अकाउंट खोलेगा हमारे साथ, ठीक है, जो अकाउंट खोलेगा फ्री। अभी कुछ अकाउंट बचे हुए हैं, वो चिंता नहीं करना, मेरे को सैटरडे को आप लोग डाल देना और मैं चेक करके सभी को ऐड कर दूंगा सैटरडे संडे में। कुछ बचे हुए हैं अकाउंट, कुछ टाइम की वजह से हम नहीं ऐड कर पाते थे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।